दोस्तों, ये है पटना और इस्लामाबाद, जो भारत और पाकिस्तान के दो महत्वपूर्ण शहर हैं, जो कि हाल के दिनों में काफी तेजी से डेवलप कर रहे हैं। जहां एक तरफ पटना भारत के बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है और पटना राज्य की राजधानी है। ये बिहार का सबसे बड़ा नगर है और पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुर था। तो वहीं इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है और भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान को एक राजधानी नगर की आवश्यकता थी, जिसके रूप में इस्लामाबाद को चुना गया था। तो आइए जानते हैं बिहार की राजधानी पटना और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कौन सा शहर 2024 में किन मामलों में आगे है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। नंबर वन एरिया, बात अगर एरिया की करें तो इस्लामाबाद का सिटी एरिया 220 स्क्वायर किलोमीटर और मेट्रो एरिया 906 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो वहीं दूसरी तरफ पटना डिस्ट्रिक्ट का टोटल एरिया 3202 स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी कि एरिया के मामले में पटना डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद से काफी आगे है। नंबर टू पॉपुलेशन, बात अगर पॉपुलेशन की करें तो इस्लामाबाद का टोटल पॉपुलेशन 23,63,863 है। तो वहीं पटना डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन 73,30,000 से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार पॉपुलेशन के मामले में भी पटना डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद से काफी आगे है। नंबर थ्री लिटरेसी रेट, बात अगर लिटरेसी रेट की करें तो पटना डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट 2024 में लगभग 83% है। तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद का लिटरेसी रेट 88% है, यानी कि लिटरेसी रेट के मामले में इस्लामाबाद पटना जिला से आगे है। नंबर फोर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बात अगर GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की करें तो इस्लामाबाद का नॉमिनल GDP $5 बिलियन का है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पटना का नॉमिनल GDP $30 बिलियन का है, यानी कि GDP के मामले में पटना डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद से काफी ज्यादा आगे है। नंबर सिक्स क्राइम रेट, दोस्तों जहां एक तरफ इस्लामाबाद का लेवल ऑफ क्राइम फिलहाल 27.92 है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना का लेवल ऑफ क्राइम 59.49 है, यानी क्राइम के मामले में पटना काफी बदनाम है। नंबर सेवन रेल नेटवर्क, बात अगर रेल नेटवर्क की करें तो जहां इस्लामाबाद रेलवे स्टेशन, जिसे मरगल्ला रेलवे स्टेशन भी कहते हैं, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जहां पर महज एक प्लेटफार्म और दो ट्रैक है। वहीं दूसरी तरफ 15 ट्रैक्स और 10 प्लेटफार्म वाले पटना रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक में गिना जाता है, जहाँ से रोजाना लाखों की संख्या में पैसेंजर्स एक शहर से दूसरे शहर तक आवाजाही करते हैं। तो इसलिए इस मामले में पटना इस्लामाबाद से काफी आगे है। नंबर एट रोड नेटवर्क, दोस्तों इस्लामाबाद में 28 किलोमीटर लंबा इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, 25 किलोमीटर लंबा श्रीनगर हाईवे इत्यादि मौजूद है और फैजाबाद इंटरचेंज है, जिस पर 48,000 व्हीकल रोजाना पार होती है। वहीं लोकल जर्नी के लिए इस्लामाबाद में करीम, उबर, बाइकिया और SWEL ट्रांसपोर्ट एजेंसी अपने टैक्सियों का संचालन करती है। वहीं दूसरी तरफ पटना डिस्ट्रिक्ट में 20.5 किलोमीटर लंबा दीघा दीदारगंज एक्सप्रेसवे, 450 किलोमीटर लंबी बन रही पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे 31, 5 स्टेट हाईवेज इत्यादि पटना जिला से होकर गुजरती है। इसलिए इस मामले में पटना डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद से काफी आगे है। नंबर 9 एयरपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, जहां एक तरफ पाकिस्तान की राजधानी होने के नाते इस्लामाबाद में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि 3200 एकड़ में फैला हुआ, सालाना 60,00,000 पैसेंजर्स इस एयरपोर्ट के माध्यम से आना जाना करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पटना एयरपोर्ट महज 254 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां से सालाना तकरीबन 29,67,681 पैसेंजर्स आवाजाही करते हैं। तो इसलिए एयरपोर्ट के मामले में पटना एयरपोर्ट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काफी पीछे है। नंबर 10 कॉस्ट ऑफ लिविंग, बात अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की करें तो जहां एक तरफ इस्लामाबाद में एक महीने में एक सिंगल पर्सन को लगभग $357 का खर्च आता है, तो वहीं दूसरी तरफ पटना में एक व्यक्ति के एक महीने का कॉस्ट ऑफ लिविंग $325 का है। इसलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में पटना इस्लामाबाद से काफी सस्ता है। नंबर 11 मेट्रो नेटवर्क, बात अगर मेट्रो नेटवर्क की करें तो इस्लामाबाद में फिलहाल कोई भी मेट्रो ट्रेन नहीं चलती है, उसके बजाय यहां पर मेट्रो बस सेवा मौजूद है, जो कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक चलती है और 83.6 किलोमीटर लंबी है।
बात अगर पटना की करें तो पटना में लगभग 33 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क का काम काफी तेजी से हो रहा है, जो कि दो कॉरिडोर, कॉरिडोर वन रेड लाइन और कॉरिडोर टू ब्लू लाइन के अंतर्गत विभाजित होगा। कॉरिडोर वन में दानापुर कैंटोनमेंट से लेकर खेमनीचक, जबकि कॉरिडोर टू में पटना जंक्शन से लेकर न्यू आईएसबीटी तक मेट्रो की सुविधा बनाई गई है। तो दोस्तों, मेट्रो नेटवर्क के मामले में पटना इस्लामाबाद से काफी आगे निकलने वाला है। नंबर 12, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। दोस्तों, जहां 2022 से 23 के एक रिपोर्ट के मुताबिक पटना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% से भी कम हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15.70% है, यानी कि इस मामले में पटना डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद से काफी अच्छा है। नंबर 13, रुपए की कीमत। दोस्तों, भारत में और पाकिस्तान दोनों जगह पर रुपए चलते हैं, लेकिन भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 3.33 पाकिस्तान रुपए के बराबर है, यानी कि रुपया के मामले में भारत का करेंसी पाकिस्तान के करेंसी से काफी मजबूत है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जिनमें हमने जाना कि 2024 में पटना और इस्लामाबाद में कौन सा शहर ज्यादा डेवलप है और ज्यादा तेजी से विकसित कर रहा है। दोस्तों, आंकड़ों की ओर देखने के बाद ये पता चलता है कि हमारे देश के पटना अभी पाकिस्तान के इस्लामाबाद से काफी आगे है। तो दोस्तों, पटना और इस्लामाबाद के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी इसी तरह के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। अगली वीडियो आप किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।